जो असंध में दो लड़कों ने जो फायरिंग की थी मीनाक्षी अस्पताल में 8 तारीख को, कल हमें एक सूचना मिली थी कि वो दोनों लड़के करना जींद में भी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए जींद में आए हैं, और हमें इनके पते ठिकाने की मुखबरी मिल गई थी, और हम जैसे ही वहाँ पहुँचे इन्होंने हमारी टीम के ऊपर फायरिंग कर दी थी। एक गोली सीधी मेरी जो गाड़ी थी उसके शीशे में मारी थी। उसके बाद जब हमने इनके अपने बचाव में क्रॉस फायरिंग हुई, 3 गोलियां इन्होंने हमारे ऊपर चलाई, फिर हमारे मुलाजिमों ने भी चलाई जो इसकी टांग पे लगी और एक के हाथ पे लगी। इनसे पहले ये काफ़ी वारदातों में शामिल है, मर्डर, लूट, डकैती, बहुत सारे इनके मुकदमे जो वांटेड थे और जो चल। अब ये किसी वारदात के लिए यहाँ आए थे और कई वारदात करने आए हैं, तो उनके यहाँ जो असंध में डॉक्टर मीनाक्षी हॉस्पिटल में जो वारदात हुई है उसके में वांटेड थे। तो जी वही ये लोग हैं दोनों। कितने लोग थे सर रात को? रात को दोनों थे, तो दोनों ग्राउंड अप कर गए। तो दोबारा फिर इसी एरिया में आना इसका मतलब कुछ लग चुका? हाँ, इस बात से चुका नहीं जा सकता कि भाई यहाँ आए तो कितना कोई वारदात एक्सीडेंस हो गया। अगले उपचार के लिए पी जाए उतर जाए। हाँ बस अभी तो अभी इनको जब यहाँ से डिस्चार्ज होंगे तो अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद कैंटर से पूछताछ होगी। ये एक है शोभित है हाथरस का है, और जो ये दूसरा लड़का है मोहित, ये गंगानगर का है, तो गंगानगर में ये काफ़ी वांटेड है।